गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे अक्षरों का महत्व पाठ के बारे में, और हमने ये भी जाना कि अक्षरों की शुरुआत कैसे हुई। अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि अक्षरों की खोज जो है वो किसी ईश्वर ने नहीं की है, अक्षरों की खोज जो है वो इंसान ने की गई, इंसान ने किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज हम इतने ज़्यादा विकसित हो गए हैं कि आज हम ये जान सकते हैं कि किस देश की अक्षर की खोज किस समय और किस काल में हुई थी। आज हम इतने ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। फिर हम आगे चलते हैं पाठ की ओर और देखते हैं कि पाठ में और क्या लिखा गया है। पाठ में ये भी कहा गया कि हमारी ये धरती जो है लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी ये धरती कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा है। मतलब कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे जो हैं उनको कहते हैं कि इनका ही राज रहा है। और उसके बाद, उसके कई साल बाद आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया। कई दस हज़ार साल पहले आदमी ने इस पर गांव बसाना शुरू किया। और गांव बसाना कब शुरू किया? जब उसको ये लगने लगा, जब आदि मानव के ही समय से जब उसको ये लगने लगा कि अब उसे बारिश में भीगना पड़ रहा है। आपको ये स्टोरी पता ही होगी, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि वो उसको जब ये लगने लगा कि अब उसके घर की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को बचा सके, तब उसने घरों का निर्माण करना शुरू किया। और एक घर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और इस तरह से गाँव बसने शुरू हो गए। फिर वो खेती करने लगा, और खेती करने के लिए सबसे पहले आदिमानव ने यानी कि पहले के इंसानों ने पत्थरों के औज़ार बनाए। पत्थरों के औज़ार काफ़ी भारी हो जाया करते थे, इसलिए उसने पत्थर से, फिर उसने कांसे और तांबे से औज़ार बनाना शुरू किया और उससे खेती करनी शुरू कर दी। प्रागैतिहासिक यानी कि लिखित इतिहास के पहले का काल, लिखित इतिहास के पहले के काल के बारे में बताया गया है कि उस समय में मनुष्य जो है वो अपने भावों को, उसके जितने भी एक्सप्रेशन, उसके जितने फीलिंग्स है, उसको वो चित्रों के माध्यम से यानी पेंटिंग्स के माध्यम से यानी कि ड्राइंग के माध्यम से वो उनको व्यक्त किया करता था। जैसे कि पशु पक्षियों आदमियों के चित्र जो है वो ड्रॉ करके, पेंट करके उन्हें वो बताया करता था। इन चित्र संकेतों के बाद वो भाव संकेत में आया, यानी कि उसके बाद उसे लगा कि उसके फीलिंग्स को भी उसे दर्शाना चाहिए। जैसे कि उसने क्या किया, एक सूर्य का चित्र बनाया, एक गोल उसने आका, और उसके चारों तरफ उसने क्या कि बनाया, रेखाएं बनाया जो इस भाव को दर्शाता था कि सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, सूर्य से हमें गर्मी मिलती है। तो इस तरह के भाव को वो दर्शाया करता था ताकि उसको देख करके लोगों को समझ में आ जाए कि सूर्य किस काम आता है, गर्मी प्रदान करने काम आता है, और ये जो है इससे हमें रोशनी भी मिलती है। बाद में यही घोतक रेखाएं जो है वो एक भाव संकेत का काम में आने लगी। इसके बाद इस तरह की पेंटिंग्स को, इस तरह के चित्रों को एज अ मतलब सिंबल यूज किया जाने लगा। उसके बाद तब कहीं इसके बाद जब अक्षरों जब उसके बाद जब ये पेंटिंग्स हुए, जब ये कार्व कर करके इसको जब बनाया जाता था, उसके कई साल बाद अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए होंगे, केवल 6,000 साल, ठीक है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी पेंटिंग्स के बारे में। अगर आप ऊपर देखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये इन सब में ये बताया गया है, इन पेंटिंग्स में ये बताया गया है कि किस तरह से उस समय जो मनुष्य हुआ करते थे वो क्या करते थे, पेंट करके लोगों को बताते थे, दर्शाया करते थे, ठीक है। और ये एक सिंबल के तरह से प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं उसके बाद, उसके इस भाव के बाद अक्षरों की खोज हुई, और अक्षरों की खोज ने एक नए युग का संचार किया, एक नए युग की शुरुआत की। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, और जब से उस
अक्षरों की शुरुआत हुई उसके बाद से वो अपना लेखा जोखा जो हुआ करता था, हिसाब हो जो भी हो, वो उसको उसके बाद से वो लिखना शुरू करने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से मनुष्य ने अपना हिसाब किताब लिखना शुरू किया, तब से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। तब से मनुष्य क्या कहना शुरू किया गया, सभ्य कहना शुरू किया गया। और उसके बाद ही एक नए इतिहास की शुरुआत हुई, एक नए इतिहास, यहाँ देख सकते हो इतिहास, एक नए इतिहास की शुरुआत हुई। किसी भी कौम या देश का इतिहास सबसे शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। और किसी भी देश, ठीक है, किसी भी देश के लोगों को सभ्य तब कहा जाता है जब उसके लिखे हुए लेख, जब तक उसके लिखे हुए लेख में उसका लेखा जोखा या जो भी उसने लिखा हो, जब यह मिलने लगता है, तभी इंसान क्या करता है, तभी इंसान को सभ्य कहा जाने लगता है। और तब से वो सोसाइटी जो है, वो देश जो है, वो क्या कहलाता है, सभ्य कहलाने लगता है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। यानी कि जब से लिखना आरंभ हुआ तब से उस काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, अगर आप ये सोचो, अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो आज हम कैसे होते, कैसे होते, सोच के देखना एक बार कि आज हम कैसे होते। अगर आपके तो आप शायद स्कूल नहीं आ पाते, हम शायद एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते, सिर्फ चित्रों के जरिए या अपने इशारों के जरिए जितना बन पड़ता अपने भावों को व्यक्त करते हैं। लेकिन अक्षरों की खोज ने कहीं ना कहीं मानव के निर्माण में एक भव्य रोल अदा किया है, एक महान रोल अदा किया है, एक अपना एक अहम भूमिका निभाई है। अगर ये ना होता तो न जाने मनुष्य का आज क्या हाल हो रहा होता। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, और हम अपने हिस्ट्री को नहीं जान पाते। हम अपने हिस्ट्री को, ठीक है, नहीं जान पाते। हम ये नहीं जान पाते कौन सा राजा आया, उसने क्या काम किया, कौन से कार्यकाल में आया, हम कुछ भी नहीं जान पाते थे। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। किसी ने सही कहा है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, और अक्षर के खोज जैसे ही हुई मनुष्य ने अपने विचारों को लिखना शुरू कर दिया। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरे पीढ़ी तक जाने लगे। आज आप एजुकेशन ले रहे हो, आज आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इसकी ज़रूरत आप इसको क्या करोगे, अपने आने वाली पीढ़ी को भी दोगे, वो भी दूसरे पीढ़ी को देगा, और इस तरह से यह क्रम निरंतर चला जाएगा। और हर एक इंसान अपने बारे में लिखना और बोलना या अपना कोई ना कोई एक छाप वो छोड़कर ज़रूर जाएगा। किसके माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से, ठीक है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, और जिस हिसाब से अक्षरों की खोज हुई उसी हिसाब से मनुष्य में भी बढ़ोतरी होने लगी, मनुष्य में ग्रोथ होने लगा, और उसी के बाद उसका क्या हो गया, यूं कहो तो कल्याण होना शुरू हो गया। यह महत्व है कि अक्षरों का, उनसे बनी हुई लिपियों का, और ये किससे होता है, लिपियों के द्वारा। कहते हैं ना, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। और हमारा ये भाषा किस तरह से आया, कैसे आया, लिपि के द्वारा ही आया। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। तो हम सबको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि अक्षरों का निर्माण कैसे हुआ और इसमें इसका हमारे जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। और सही मायने में आज ये भी जानना ज़रूरी है कि इन अक्षरों को किसने बनाया, कैसे बनाया, किस परिस्थिति में बनाया, इन सब चीज़ों को जानना भी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें लेखक गुणाकार जी हमें यह कह रहे हैं कि अक्षरों का महत्व जो है वह हमारे जीवन में
बहुत ही ज़्यादा है, इसके बिना मनुष्य अधूरा है। तो अक्षरों को जानना, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनाए रखना भी हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम अपने भाव, अपने एक्सप्रेशंस को, हम अपने भावों को दूसरे तक व्यक्त कर सकें। तो इसके साथ ही एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर इन द व्हाट्सएप, आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।